Then, क्वेश्चन नंबर थ्री, पेपर कब हुआ था? 29th में हुआ था, 29th, वर्क पावर एनर्जी का। तो उसका क्वेश्चन नंबर थ्री, तो क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है? क्वेश्चन नंबर थ्री में है, फोर्स कांस्टेंट दिया है, फोर्स कांस्टेंट दिया है, और वी हैव टू फाइंड आउट ग्राफ बिटवीन पावर एंड टाइम। तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो, पावर के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? पी इज इक्वल टू एफ इंटू वी। फोर्स एंड वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए एफ वी कॉस ऑफ जीरो, तो कॉस ऑफ जीरो वन आएगा। तो F के लिए मैंने F लिखा, V को क्या लिख सकता हूँ मैं? U प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी मैंने जीरो एज्यूम किया, तो F इंटू ए टी आता है। तो फोर्स को फोर्स लिखा, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं? F अपॉन M, और टाइम का टाइम। फोर्स कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है, तो जिसको मैंने सर्कल किया है वो क्वांटिटी कांस्टेंट आएगा, ये सर्कल वाला क्वांटिटी कांस्टेंट आएगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू टाइम आएगा, सॉरी पावर इज प्रोपोर्शनल टू टाइम आएगा। तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर फाइव में बलून है, डायग्राम देखो। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है? बलून है, बलून के नीचे बास्केट लटक रहा है, बास्केट और बलून दोनों का मिल के मास कितना है? कैपिटल एम। बलून के बाहर यहाँ पे एक लैडर है, लैडर पे आदमी लटक रहा है, उसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, अभी इसका इस न्यूमेरिकल में कुछ यूज नहीं है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। क्या? यहाँ पे देखो, अगर आउटसाइड फोर्स, इसमें तो आउटसाइड फोर्स नहीं है, ये सब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है मतलब नीचे भी नहीं जा रही, ऊपर भी नहीं जा रही, नीचे भी नहीं जा रही, ऊपर भी नहीं जा रही, मतलब टोटल ओवरऑल उस पर फोर्स कितना है? बाहर वाले ऑब्जेक्ट्स ने जितना भी उसके ऊपर फोर्स लगाया वो कितना है? जीरो है। तो अगर आदमी ऊपर चढ़ते चढ़ते जाता है तो बलून को नीचे आना होगा। क्यों? क्योंकि ऑल फोर्सेस आर इंटरनल, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसलिए वो ऊपर भी, टोटल सिस्टम ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं आएगा, लेकिन अंदर के अंदर आदमी स्मॉल एम और बलून और बास्केट कैपिटल एम, ये दोनों का मिलके सिस्टम है। तो जैसे जैसे मैन ऊपर जाएगा बास्केट नीचे आएगा, लेकिन पहले सेंटर ऑफ मास और मूव होने के बाद भी सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? सेम है। तो आदमी ऊपर ऊपर चढ़ता है और एट ओ पॉइंट वो बास्केट के अंदर जाता है। यहाँ पे देखो, ओ पॉइंट है, यहाँ पे ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट में वो बास्केट के अंदर जाता है। इसका मतलब क्या? जब तक आदमी ओ पॉइंट तक जाता है तब तक बास्केट उधर ही आता है, नीचे आता है उतना, और फिर बास्केट में जाता है। तो बास्केट कितना नीचे आता है? वाई आता है, और आदमी कितना ऊपर जाता है? टोटल लैडर का लेंथ एल है, इसलिए एल माइनस वाई जाता है। तो उस ओ को मैंने पकड़ा है ओरिजिन, ओ को पकड़ा है ओरिजिन, और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है सेंटर ऑफ मास के लिए। तो फॉर्मूला क्या लिखा है? सेंटर ऑफ मास बिफोर एंड सेंटर ऑफ मास आफ्टर सेम रहना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास किधर है? ओरिजिन पे है, इसलिए जीरो। तो एम वन इंटू एक्स वन, कैपिटल एम, और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? वाई, ऊपर है इसलिए प्लस वाई। आदमी किधर है? स्मॉल एम, उसका डिस्टेंस कितना है? नीचे है, एल माइनस वाई, इसलिए माइनस एल माइनस वाई लिखा है। M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। इसको सॉल्व किया तो क्या आता है? Y इतना आता है, Y कितना आता है? स्मॉल एम एल अपॉन कैपिटल M प्लस M, और ये दिया है, ये इस न्यूमेरिकल में दिया है H करके, अगर नहीं दिया रहता तो निकालना पड़ता था, इसलिए ये कैलकुलेट किया। ठीक है, देन अभी इसका कुछ इस न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं है। अभी पूछा क्या है? लेकिन वर्क डन बाय मैन, अभी वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर मैन खुद का ऑब्जर्व कर रहा है, वो खुद ही एक ऑब्जर्वर है, मैन खुद ही एक ऑब्जर्वर है, तो उसने कितना लेंथ कवर किया? वो लैडर के नीचे था, अभी बास्केट में चढ़ा, मतलब पूरा लैडर उसने कवर किया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हिम, खुद के विथ रिस्पेक्ट टू उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? यल। तो वर्क डन कितना? उसने फोर्स ऊपर खुद को खींचने के लिए फोर्स कितना लगाया? mg, तो mg एल आएगा। तो ये वर्क डन बाय मैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। लेकिन अगर ऑब्जर्वर बाहर है, नीचे खड़ा है, जमीन पे नीचे खड़ा है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर, वो मैन जो लैडर के ऊपर चढ़ रहा है वो कितना डिस्टेंस ऊपर गया?
वो तो यहाँ पे एल माइनस वाई ही गया, क्योंकि बलू बास्केट नीचे आ गया वाई से। तो बाहर वाले आदमी के लिए, जो आदमी अर्थ पे खड़ा है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल माइनस वाई, वाई मतलब इधर एच है, तो उसके लिए वर्क कितना आएगा, एम जी एल माइनस एच। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया किसका वर्क, तो एक क्वेश्चन में थोड़ा एम जी एल भी आंसर आ सकता है, एम जी एल माइनस एच भी आ सकता है, एम जी एल दिया है लेकिन एम जी एल माइनस एच भी आ सकता है। तो तुम कंसेप्ट वाइज ध्यान रखो, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज एम जी एल, और ऑब्जर्वर अगर बाहर है अर्थ पे तो वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर इज एम जी एल माइनस एच। ओके देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। देखो क्या है, ए जगह ए यहाँ पे मास लटक रहा है, बुलेट आता है उसको कोलाइड होता है, उसके अंदर जाता है बैठता है, और मास जाता है किधर तक जाता है, मास ये बी जगह तक जाता है। हाइट कितना है, बी और ए के बीच में हाइट का डिफरेंस है 10 सेंटीमीटर। बस मैं एनर्जी कंजर्व करता हूँ, तो एनर्जी कंजर्व करने के बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे बुलेट का एनर्जी, बुलेट का एनर्जी इधर और इधर, इसका टोटल एनर्जी। तो बुलेट का एनर्जी कितना यहाँ पे लिखा है मैंने, हाफ इंटू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, बुलेट उसके अंदर जाता है, दोनों मिलके बी पॉइंट तक जाते हैं, तो बी पॉइंट पे क्या है, ओनली पोटेंशियल एनर्जी है, तो एम जी एच। तो बुलेट का तो मास ही कम है, तो बस उसका मैंने मास लिया, वो कितना दिया है 2 kg, तो बॉब का मास 2 kg, 2 इंटू एम जी एच, यहाँ पे 2 इंटू जी इंटू एच कितना है 0.1, तो इससे वेलोसिटी लेके 20 आ रहा है, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इधर गलती क्या हुआ, इधर गलती ये हुआ है कि पहले यहाँ पे कंजर्व एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता, ये जो कोल्यूजन हो रहा है इधर, पहला कोल्यूजन बुलेट वो बॉब के साथ जब कोलाइड होता है तब एनर्जी कंजर्व नहीं होता, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इनइलास्टिक कोल्यूजन है, इनइलास्टिक कोल्यूजन में एनर्जी कंजर्व नहीं होता, ओनली मोमेंटम कंजर्व होता है, इसलिए ये गलत आ गया आंसर। तो पहले क्या कंजर्व करना पड़ेगा, मोमेंटम। तो इधर मैंने मोमेंटम कंजर्व किया, क्या बुलेट आता है इधर, बुलेट कोलाइड होने के बाद वेलोसिटी ए यहाँ पे वो 2 kg का वेलोसिटी कितना हो गया है? वो पहले निकालने का है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बुलेट का मास इंटू बुलेट का वेलोसिटी प्लस वो बॉब का मास 2 है, उसका तो वेलोसिटी है नहीं, 0 है, इज इक्वल टू उस दोनों का मिल के मास, अभी बुलेट और बॉब मिलता है तो दोनों का मिल के मास कितना होता है, ऑलमोस्ट 2 ही है, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने क्या, एम इंटू वी टू, 2 इंटू वी टू, तो उधर से निकाला तो V2 आता है 0.01 V/2। अभी ये किसका वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है बॉब का, तो अभी बॉब का इधर का एनर्जी और बॉब का इधर का एनर्जी उसको कंजर्व कर सकते, हाफ एम इंटू वी स्क्वेयर, बॉब का ये वेलोसिटी यहाँ पे पुट किया, इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, बॉब का इधर का एट पॉइंट बी पोटेंशियल एनर्जी, वो इधर लिखा है एम इंटू जी इंटू एच। तो वो पुट करने के बाद कितना आता है आंसर, 282 आंसर दिया है, 280 दिया है। यहाँ पे मास 0.01 नहीं पुट करने का, यहाँ पे मास किसका, बॉब के लिए काम कर रहे हैं, बॉब का पॉइंट ए पे एनर्जी, बॉब का पॉइंट बी पे एनर्जी, तो मास कितना पुट करने का है, 2 kg, तो वेलोसिटी सही आता है। यहाँ पे गलती क्या हो सकता है, एनर्जी ओवरऑल कंजर्व होता है ऐसा अपन एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन नहीं होता, आफ्टर कोलिजन एनर्जी कंजर्व होता है, लेकिन कोलिजन में बुलेट जब कोलाइड होता है बॉब को, उसमें थोड़ा एनर्जी लॉस्ट होता है, फ्रिक्शन में वगैरह वगैरह लॉस होता है। देन क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है, कुछ तो एडियाबेटिक कन्वर्जन हो रहा है और वॉल्यूम वहां पे दिया नहीं, लेंथ दिया है। अगर एरिया सेम है, अगर वो सिलेंडर का एरिया, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो लेंथ डबल हो गया तो वॉल्यूम डबल होता है, लेंथ डबल हो गया तो वॉल्यूम डबल होता है, तो वॉल्यूम और लेंथ दोनों क्या रहते हैं, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे टी वी रेस टू गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट है, वैसे मैं क्या ले सकता हूँ, टी इंटू एल रेस टू गामा माइनस वन भी कॉन्स्टेंट ले सकता हूँ, क्योंकि वी के जगह पे मैंने क्या लिखा है, एल लिखा है। वी किस पे डिपेंडेंट है, एल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि एरिया तो कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए ऐसा लिख सकता हूँ मैं, टी वन एल वन रेस टू गामा माइनस वन, 5/3 माइनस वन कितना है, 2/3, और इधर T2L2 रेस टू 3 2/3, उसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है ऐसा।